हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विनोद विजयवर्गीय। मेरे यूट्यूब चैनल आईए एग्जाम गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर के टॉपिक से आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा कि सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। कि सीपीयू को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया सीयू, सेकंड हो गया एएलयू, थर्ड हो गया रजिस्टर। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। मैं आपको लास्ट वीडियो में सीयू, एएलयू, रजिस्टर के बारे में कम्प्लीटली बता चुका हूँ। बाकी फिर एक बार से मैं यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। दोस्तों, सीयू होता है अपना कंट्रोल यूनिट, जो कि क्या करता है, अपने पास सिस्टम की टोटल इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस पर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर कंट्रोल करने का काम करता है। सेकंड हो गया ALU। ALU होता है अपने पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है वो सारी परफॉर्म करता है। रजिस्टर होता है अपने पास, वो ALU का ही पार्ट होता है। वो टेम्पररी मेमोरी हो गई अपने पास, डेटा को टेम्पररी स्टोरेज करने के काम में आता है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक बेसिक हिस्ट्री बता देता हूँ माइक्रो प्रोसेसर की, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर वो इंटेल कंपनी ने 1971 में इंटेल 4004 बनाया था और वो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो यहाँ से अपने पास तीन क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था। वो आपको एग्जाम्पल दे देगा कि इंटेल, AMD, साइरिक्स और मोटोरोला। तो अपना आंसर होगा इंटेल। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। वो आपको 4 एग्जाम्पल कोई सा भी दे देंगे तो आपका सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर हो गया इंटेल 4004। इसके अलावा तीसरा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है अपने पास कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था। 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। तो अपना आंसर होगा 4 बिट। तो दोस्तों, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से थोड़ा याद रखने की चीज़ें हैं, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 1972 में इंटेल 8008 और 1973 में इंटेल 8080 आ गए थे। और ये दोनों ही प्रोसेसर अपने पास 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर थे। इसके बाद अपने पास 16 बिट के, 32 बिट के, 64 बिट के प्रोसेसर आने लगे थे दोस्तों। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली मुख्य कंपनियों के मैं आपको नाम बता देता हूँ और कौन कौन से उनके माइक्रो प्रोसेसर, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ। अपने पास हो गए इंटेल, जो सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी है माइक्रो प्रोसेसर की, वो इंटेल है। इसने पेंटियम सीरीज के P1 हो गया, इसका P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, डुअल कोर हो गया, कोर टू डुअल हो गया, i3 हो गया, i5 हो गया, और अभी जो सबसे लेटेस्ट इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है वो अपने पास है i7। तो यहाँ पर दोस्तों, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सबसे लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर है। तो वो 4 एग्जाम्पल दे देगा आपको, वैसे भी 4 एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कि कोर टू डू, i3, i5, i7। तो अपने पास सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है अभी माइक्रो प्रोसेसर का इंटेल वाले का, वो है i7। इसके अलावा AMD कंपनी है, वो भी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। इसके 4 एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे K5 AMD का माइक्रो प्रोसेसर है, K6 है, एथेनॉल है। तो ये सारे माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाले, इसके अलावा साइरिक्स हो गई, इसके अलावा मोटोरोला हो गई दोस्तों। तो ये कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं क्लॉक स्पीड की। किसी भी CPU की क्लॉक स्पीड कैसे और किस चीज़ में उसको मापी जाती है, मैं आपको बताता हूँ। CPU की काम करने की गति को मापने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती है दोस्तों। तो वो वॉच क्या करती है, अपने पास किसी एक काम को करने में लगा समय मापने के बजाय यह मापती है कि CPU 1 सेकंड में कितना कार्य कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है दोस्तों कि यह मेज़र नहीं करती है कि एक काम को करने में कितना समय लगता है, जबकि यह मेज़र करती है कि CPU 1 सेकंड में कितना काम कर सकता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ CPU की स्पीड मापने की जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है दोस्तों। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि CPU की क्लॉक स्पीड मेज़र करने की इकाई क्या होती है। तो आपका आंसर होगा हर्ट्स, जैसे कि मेगाहर्ट्ज, मतलब 10 लाख निर्देश प्रति सेकंड। 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब हो गया कि CPU में लगा हुआ एक रजिस्टर 16 बिट का है। रजिस्टर का आकार जो कि वर्ड साइज होती है, उसी के द्वारा पता चलता है कि किसी भी दिए गए समय में कंप्यूटर कितने डेटा को प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लेते हैं, 16 बिट का मतलब क्या हो गया अपने पास कि एक साथ 16 बिट के डेटा को वह प्रोसेस कर सकता है। इसी प्रकार से 32 बिट हो गया, इसी प्रकार से 64 बिट हो गई। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या है। यहाँ पर दो टाइप है अपने पास माइक्रो प्रोसेसर के।
फर्स्ट वन इज RISC, दूसरा है अपने पास CISC। दोस्तों यहाँ पर RISC और CISC दोनों की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो RISC की फुल फॉर्म होती है अपने पास रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC की होती है अपने पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके बाद अगर हम डेफिनेशन की बात करें दोनों की, तो RISC तो होता है अपने पास स्मॉलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और CISC होता है अपने पास लार्जर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। डिजाइन की बात करते हैं अगर इन प्रोसेसर्स के बीच में, तो RISC कॉम्प्लेक्स कंपाइलर डिजाइन होती है, CISC की इजी कंपाइलर डिजाइन होती है। कैलकुलेशन की अगर बात करें तो RISC फास्ट कैलकुलेशन, डेटा की फास्ट कैलकुलेशन करता है और CISC स्लो कंपेयर टू RISC। डिकोडिंग की बात करें तो डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सिंपल और CISC में डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लेक्स। CISC में कॉम्प्लेक्स होते हैं और RISC में सिंपल होते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम होता है RISC में और CISC में एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो RISC को एक्सटर्नल मेमोरी कैलकुलेशन करने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है और CISC को एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो ये मेन डिफरेंट अपने पास RISC और CISC में हो गया। तो दोनों में कंपैरिजन अगर करके देखते हैं तो आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं उन सभी में RISC प्रोसेसर यूज में आ रहा है। इन दोनों में कंपेयर करें तो RISC माइक्रो प्रोसेसर इज बेटर देन CISC। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जो भी आते रहे उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।